उपदेश दो प्रकार के होते हैं, विचार भी दो प्रकार के होते हैं। विचार यदि साधारण रूप में देखो दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो किसी से भी पूछ लूंगा, अब दिमाग पर जोर देने वाली बात है। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भावना मूलक और एक होता है सिद्धांत मूलक। बहुत सारी बातों को हम केवल भावना से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भगवान है, यहां पर कितने सारे लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं? कुछ लोग प्रमाणित कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ कृष्ण भगवान है। कैसे भगवान है? हमारी भावना, हम तो मानते हैं जी भगवान है, ऐसा ही होगा ना। तो विचार दो प्रकार के, एक भावना मूलक एक सिद्धांत मूलक। हमारे गुरु महाराज जी ने अपने गुरु जी का, मतलब हमारे परम गुरु जी का एक चरित्र लिखा और उस चरित्र का नाम क्या दिया? शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र। उसमें सारी शिक्षाओं को गागर में सागर की भांति भर दिया। इसलिए विचार दो प्रकार के हैं, सिद्धांत मूलक और भावना मूलक। अब गुरुजी ने अपने गुरुजी का चरित्र कैसे प्रकाशित किया? सिद्धांत मूलक तरीके से, एकदम एक एक सिद्धांत की कसौटी पर अपने गुरुजी को खड़ा उतार दिया। यद्यपि वो मुक्त पुरुष हैं, किंतु गुरुजी ने कितना सुंदर, यदि आप लोगों ने उसका अध्ययन किया या उसको श्रवण किया तो देखेंगे अपने गुरुजी की एक एक महिमा को, एक एक छोटे से छोटे चरित्र को उन्होंने स्पर्श किया है बड़े सुंदर रूप में। तो हमारे गुरुपाद पद्म शरणागत हैं, तो परम गुरुजी ने शिला प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया? उनको आत्मसात कर लिया। हम लोग भी अब बहुत सारे भक्तों के मुख से, अभी प्रभु जी बता रहे थे गुरुजी की बड़ी शिक्षा मूलक बहुत सारे विचारों को हमने श्रवण किया। शास्त्र भगवान की वाणी स्वरूप है ना, शास्त्र भगवान की वाणी है, किंतु शास्त्र उपदेश देते हैं, आचरण नहीं करते, ऐसा ही है ना। शास्त्र उपदेश देते हैं, आचरण नहीं करते। आचरण करने के लिए उनको मूर्तिमान होना पड़ेगा। जैसे वैकुंठ जगत में जितने भी उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, सब कुछ है, ये क्या है? मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि शास्त्रों को, उपदेश को आचरण में लाना पड़े तो उनको मूर्तिमान होना पड़ेगा। अब हम बद्ध जीवों के लिए जितने सद शास्त्र हैं वो केवल शब्द के रूप में प्रकट है ना, ग्रंथों के रूप में प्रकट है। अब उसको पढ़ के कैसे समझ लें? पढ़ के सब समझ आ जाएगा? पढ़ के तो समझ आएगा नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं आते हैं जगत में और शास्त्रों में जो उपदेश लिखे हैं उनको आचरण करके दिखलाते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, वो भी क्या करते हैं? शास्त्रों के जो उपदेश शास्त्रों में लिखे हुए हैं उनको अपने चरित्र में आचरण करके दिखलाते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कैले धर्म सिखानो न जाए। स्वयं आचरण करके इस धर्म की शिक्षा दी जाती है, बिना आचरण किए धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह महाप्रभु ने एक उक्ति बतलाई, महाप्रभु ने एक उपदेश दिया कि स्वयं आचरण करके धर्म की शिक्षा दी जाती है, बिना आचरण किए धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही सदगुरु की पहचान है। हमारे शिला बामन गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सदगुरु का जीवन प्रच्छद पट के समान होता है। प्रच्छद पट समझते हैं? ब्लैक बोर्ड। जैसे शिक्षक जो होता है ना, टीचर, साधारण जगत के लौकिक टीचर, वो क्या करते हैं? पुस्तक में जो विषय लिखा हुआ है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं। ऐसे तो विषय पुस्तक में लिखा है, उसको पढ़कर समझ लो, किंतु समझ पाएंगे सब कुछ? अगर समझ जाते तो इतने स्कूल कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर क्या करेगा? पुस्तक में लिखे विषय को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाएगा, वो छात्रों के लिए सहज सरल बन जाएगा। ऐसे ही सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु, गुरु नहीं, गुरु तो बहुत प्रकार के। सदगुरु क्या करते हैं? शास्त्रों में कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, भक्ति मार्गीय जितने प्रकार के उपदेश हैं उसमें से उस शास्त्रों के सार का मंथन करते हैं और उसमें से शुद्ध भक्ति मूलक जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में आचरण करके दिखाते हैं। विधि मूलक और निषेध मूलक। विधि मतलब शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए हमको जो करना चाहिए और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए जो हमको नहीं करना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए। विधि मूलक और निषेध मूलक, ये सारे उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करके दिखलाते हैं। इसको ही हमारे प्रभुपाद जी ने आचार्य नाम दिया। आचार्य मतलब जो आचरण करके दिखलाए। यदि आप इन महापुरुष के जीवन में देखें, जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सम्मिलित हैं, ऐसा प्रतीत होगा कि शास्त्रों का एक एक शुद्ध भक्तिमय जो उपदेश है, एक एक उपदेश वो मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा है। और गुरु महाराज जी के जीवन में तो विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देगा। महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है ना, ब्रज भक्ति, ब्रज के प्रति अनुराग, ये ब्रज प्रेम, ऐसा लगेगा जैसे ये मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। अब ये अतिशोक्ति नहीं है,
अगले एक घंटे में दो घंटे में हम लोग जो सुनेंगे, जो हम लोगों ने गुरु वैष्णव के मुखों से सुना है, उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो एकदम स्वतः सिद्ध बात है। इन महापुरुष के जीवन में यदि देखो शास्त्रों का शुद्ध भक्ति में एक एक उपदेश, ऐसा लगेगा मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा है। क्रमानुसार हम कुछ विचारों को श्रवण करेंगे। हमारे भक्ति राज्य का हमने परसों नोएडा में भी बहुत सारे विचार श्रवण किए, आप लोगों में से प्राय कोई भी वहां पर नहीं था, इसलिए कुछ चीजों को फिर से श्रवण कर ले, समय बचेगा तो और बहुत सारे विचार हैं। जब तक बैठे रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। शास्त्र कहते हैं हमारे भक्ति राज्य का सबसे पहला जो सोपान है, सबसे पहली सीढ़ी, वो क्या है? श्रद्धा। किंतु श्रद्धा के बहुत सारे स्तर हैं। श्रद्धा लौकी की भी है, पारलौकी की भी है, नैष्ठी की भी है, श्रद्धा बहुत प्रकार की है। किंतु सर्वोच्च स्तर क्या है श्रद्धा का? श्रद्धा की जो सर्वोच्च स्तर है, सर्वोच्च सीमा, वो क्या है? कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। ये सुदृढ़ विश्वास हो जाना कि कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ करना हो गया, ये श्रद्धा की सर्वोच्च सीमा है। गुरुपाद पद्म के जीवन में देखो, यद्यपि वो नित्य सिद्ध गौरजन राधाजन है, किंतु अभी बतलाया ना, भगवान उनको भेजते हैं शास्त्रों के उपदेशों को आचरण करके दिखलाने के लिए। गुरु जी के जीवन में देखो इस पारमार्थिक सुदृढ़ श्रद्धा का कितना सुंदर परिचय मिलता है। सुनी ना आप लोगों ने कथा, अवश्य सुनी होगी। गुरु जी ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जल्दी पुलिस में नौकरी लग गई, बड़े धर्म प्राण थे। गुरु जी स्वयं बताते थे कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, आम के पेड़ के नीचे बैठते थे और सारी रात रामायण की चौपाई पाठ करते करते वहीं सो जाते थे। ऐसा उनका धर्म प्राण जीवन रहा। जब गुरुजी पुलिस में नौकरी करते थे तो उनकी पोस्टिंग एक समय बिहार के साहिबगंज जिले में हुई। वहीं पर हमारे परम गुरुजी के गुरु भाई श्री प्रभुपाद जी के आश्रित थे पूज्यपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। उनका उस समय संन्यास नहीं हुआ, नाम था श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे। वो उस समय वहां पर प्रचार करने के लिए आए। गुरुजी के निकट में जब भागवत का प्रचार करने के लिए आए, स्वाभाविक रूप से धर्म प्राण थे, गुरुजी भागवत कथा सुनने गए, बड़ी अच्छी लगी, विचार महाप्रभु के बड़े अच्छे लगे, प्रतिदिन सुनने जाने लगे। अब रात रात बैठकर उसी नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी से प्रश्न उत्तर करते, जब तक कथा चली गुरुजी वहां पर रहे, और जब वो लोग चले गए तो गुरुजी को एड्रेस बताकर चले गए हमारे देवानंद घोड़िया मठ का। और गुरुजी ने वहां पर क्या किया, फिर पत्र भेजना आरंभ किया। तो श्री बावन गोस्वामी महाराज जी परम गुरुजी की ओर से उनके पत्रों का उत्तर देते। ये क्रम कुछ दिन चला, गुरुजी ने निश्चय किया, गुरुजी घर बार छोड़कर आ गए, किसी को अपने आने की सूचना नहीं दी। ट्रेन में बैठे नवदीप पहुंच गए, किंतु परम गुरुजी को पता था स्थिति के दिन ये चले आएंगे। तो परम गुरुजी ने क्या किया, श्री बावन गोस्वामी महाराज जी को भेज दिया, हाथ में लालटेन लेकर जाओ अभी स्टेशन पर, श्रीमद नारायण तिवारी नाम के एक व्यक्ति आएंगे, उनको लेकर मठ में आ जाओ। इस घटना से स्पष्ट पता चल जाता है कि गुरुजी किसके द्वारा प्रेरित है, महाप्रभु के द्वारा प्रेरित है। श्री बावन गोस्वामी महाराज जी आए, गुरुजी को लेकर मठ में चले आए। अब गुरुजी के घर वालों ने खूब ढूंढने की चेष्टा की, किंतु गुरुजी मिले नहीं। दो तीन वर्ष ऐसे ही चले गए। उसके बाद गुरुजी परम गुरुजी के साथ बिहार के किसी स्थान पर प्रचार करने के लिए आए। गुरुजी के पूर्व आश्रम उनके गांव के एक व्यक्ति थे, वो रेलवे में नौकरी करते थे, उन्होंने देख लिया, गुरुजी को झट से पहचान लिया और तुरंत तार से सूचना दे दी उनके घर में। अब जैसे घर वालों को पता चला, माता पिता भाई बंधु सब दौड़ कर आ गए और खूब रोना पीटना शुरू कर दिया। परम गुरुजी से बड़ी प्रार्थना कि इनको हमारे साथ वापस भेज दो, नहीं तो हम यही प्राण दे देंगे। परम गुरुजी ने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को ज्वर हो रखा था उस समय बुखार, और गुरुजी को आदेश दिया, जाओ कुछ दिनों के लिए घर चले जाओ। गुरुजी ने उनकी आज्ञा से कुछ दिनों के लिए घर आ गए। अब हमने गुरुजी के भाई से पूछा तो बताते थे गुरुजी 27-28 दिन तक घर में रहे, और ऐसा व्यवहार हो गया घर वालों को, लगने लगा ये नहीं जाएंगे। किंतु घर में नहीं रहते थे हम, गुरुजी के पूर्वाश्रम गए जहां उनका आविर्भाव हुआ, जहां उनका जन्म हुआ, उसके सामने उनका एक घर था जहां पर गुरुजी पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, उस घर में रहते थे, घर में प्रवेश नहीं करते थे। अब सारी क्रिया पहले की जैसी करने लगे, अपने भाई बहनों को पढ़ाने लगे, पिताजी के साथ खेतों में नौकरी करने लगे। घर वालों को लगा अब ये वापस नहीं जाएंगे। जब 27-28 दिन हो गए तो गुरुजी ने क्या किया, एक दिन उनके पिताजी ने देखा बड़ी देर हो गई, अभी तक सोकर नहीं उठे, तो उनके पिताजी गए ढूंढने, जाकर जगा कर आऊं तो देखा बिस्तर सब लगा है, तकिए घुसा दिए चादर के नीचे, चादर को ढक दिया और पास में एक पत्र पड़ा है। उनके गुरु पिताजी ने पत्र उठाकर देखा, उसमें लिखा था, पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने हरि भजन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, गुरु सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब कोई जीवित रहे या कोई मर जाए,
मैं अब हरि भजन और गुरु सेवा नहीं छोड़ सकता। आशा करता हूँ आप मेरे सदकृत्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं देंगे। उनके पिताजी ने पत्र पढ़ा और निर्णय कर लिया कि यदि उनकी हरि भजन करने की इच्छा है तो अब हम लोग बाधा नहीं देंगे। कैसे धर्म प्राण माता पिता थे और कैसी सुदृढ़ निष्ठा गुरु जी के जीवन में दिखलाई देती है। हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभुर भक्त जतो वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट होन गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य ही प्रधान है, जिसको देख करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं। गुरु जी कहते थे, जब मैं घर छोड़कर आया गांव का कुत्ता भी रोता था, इतनी अनुकूल परिस्थिति थी, माता पिता भाई बंधु सब भरा पूरा परिवार, इतना सम्मान सब कुछ था, किंतु फिर भी घर छोड़कर आ गए। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, तो अद्वैताचार्य प्रभु ने इस समय उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आपके घर में लक्ष्मी जैसी पत्नी थी, यशोदा जैसी माई थी, भजन करने की सब प्रकार से अनुकूल परिस्थिति थी, आपने भजन कर फिर आपने संन्यास क्यों ले लिया। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के चरणों में एकांतिक अनुराग के लिए मैंने गृह त्याग कर दिया। गुरु जी के जीवन से स्पष्ट पता चलता है कैसे नित्य सिद्ध गौरजन है। एक एक उपदेश यदि आप देखें, कैसी सुदृढ़ निष्ठा है, और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होने पर भी कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में एकांतिक अनुराग के लिए महाप्रभु के आदर्श का अनुसरण करते हुए सब कुछ छोड़कर चले आए। ऐसी निष्ठा किसी बद्ध जीव में किसी प्रकार से संभव है? हमारे शिला भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जो तो मायार वैभव तुम्हार भजन बाधा, मोह जनमी अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। ये जड़ विद्या और माया के जितने वैभव है भजन में बाधा स्वरूप है। इस आदर्श को दिखलाते हुए महापुरुष ने क्या किया, सब प्रकार से अनुकूल परिस्थिति होकर भी गृह परित्याग कर दिया। अब जब घर छोड़कर आए तो शास्त्र कहते हैं कि इस भजन राज्य का, इस परमार्थिक राज्य का जो मूल आधार है वो है शरणागति। शरणागति के बिना हरि भजन जो है वो ऐसे है जैसे बिना आत्मा के शरीर। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने 26 गुण बताए वैष्णवों के, जिसमें से 25 गुण तटस्थ है मतलब गौण है, और एक गुण स्वरूप लक्षण है, क्या है, कृष्णायक शरणता, शरणागति। ये भजन राज्य का आधार भी है और इसका सर्वोच्च शिखर भी है, अर्थात शरणागति इस भजन राज्य का प्राण है। भगवान ने गीता में क्या उपदेश दिया है, इस आत्म तत्व को जानने का जो मार्ग है, जो इसकी विधि है, भगवान क्या बतला रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सतत्वदर्शिना। अगर तुम इस ज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब शरणागति। सबसे पहला शब्द देखो भगवान ने क्या बतलाया, शरणागति। भागवत पर आ जाओ, भागवत में भगवान क्या बतला रहे, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इस उत्तम श्रेय को यदि जानना चाहते हो तो तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु प्रपद्येत मतलब शरणागत हो जाओ गुरु के चरणों में। शरणागति इस भजन राज्य का प्राण स्वरूप है। किंतु हमारे गुरु जी कहते थे, शरणागत तो पांडव भी थे, पांडव भी तो शरणागत थे भगवान के, शरणागत तो रुक्मणी देवी भी थी, शरणागत तो द्रौपदी देवी भी थी, शरणागत तो वो गजराज भी हुए, वो हाथी जिनका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और भगवान ने आकर उनका वध कर दिया, शरणागत तो वो भी थे। किंतु गुरु जी कहते थे ब्रजवासियों की शरणागति का, विशेषकर ब्रज गोपियों की शरणागति का एक वैशिष्ट है, वो क्या है, ये जितने भी शरणागत हुए भगवान के चरणों में, इनकी शरणागति में कहीं ना कहीं स्वसुख की वासना थी। भाई द्रौपदी देवी कष्ट में आई तो भगवान के शरणागत हुई, पांडव लोग कष्ट में आए तो भगवान के शरणागत हुए, शरणागत हुए भगवान को उनकी खूब सहायता करनी पड़ी। किंतु ब्रज गोपियां जो भगवान के चरणों में शरणागत हुई, उन्होंने क्या कहा गोपी गीत में, सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। अशुल्क मतलब हम आपके शरणागत हुई आपकी सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, आप हमसे प्रीति करो हमसे प्रीति मत करो, हम तो आपके शरणागत हैं, आपकी सेवा करेंगी करेंगी। ये गौड़ीय वैष्णव की शरणागति का यही वैशिष्ट है, ये शरणागति का एक विशेष वैशिष्ट है। गुरु पाद पद्म के जीवन में देखो, सुनी होगी आप लोगों ने कथा, शरणागत हुए अपने गुरु के चरणों में, कथा बतलाते हैं ना। एक दिन हमारे परम गुरु जी अपने गुरु भाई सनातन प्रभु, सनातन प्रभु को जानते हैं, शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के साथ जिनका संन्यास हुआ एक साथ, मथुरा मठ में फोटो देखी होगी आप लोगों ने, नाम हुआ मुनि महाराज, भक्तिवेदांत मुनि महाराज, उनके साथ हमारे परम गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी निकट में बैठकर हरिनाम कर रहे हैं। परम गुरु जी हरिनाम करते करते गुरु जी से कहने लगे कि मैंने बहुत सारे उत्तर भारतीय भक्तों को देखा है, जो महाप्रभु के जो भाव हैं, विशेषकर जो ये प्रेम तत्व है, इसको समझ नहीं पाते, हृदयंगम नहीं कर पाते। और परम गुरु जी कह रहे, हमारे रूप सनातन गोस्वामी बहुत समय उत्तर भारत में रहे, मतलब ब्रज में रहे, ब्रज उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र है,
किंतु परम गुरु जी कहते हैं उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हिंदी भाषी जो महाप्रभु के विचारों को और विशेष करके इस प्रेम तत्व को समझ सके। किंतु आप हमारे गुरु जी के लिए कह रहे हैं आप महाप्रभु के विचारों को और इस प्रेम तत्व को राधा जी के भावों को बड़ी सरलता से हृदयंगम कर लेते हो, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको संन्यास दे दूं। देखो हमारी पूरी गुरु परंपरा को देख लो, एक भी हिंदी भाषी आचार्य नहीं है केवल गुरु जी को छोड़कर। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि गुरु जी परम गुरु जी प्रभुपाद और महाप्रभु की इच्छा से हिंदी भाषी क्षेत्र में गुरु जी आविर्भूत हुए। जैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों को विशेष विशेष स्थानों पर आविर्भूत कराया ना अपनी वाणी के प्रचार के लिए, ऐसे ही गुरु जी को आविर्भूत कराया हिंदी भाषी क्षेत्र में। अब जब परम गुरु जी ने बात कही तो गुरु जी की शरणागति का वैशिष्ट्य देखिए। परम गुरु जी जिसको सुनकर स्तब्ध हो गए, दंग रह गए। गुरु जी ने क्या उत्तर दिया, मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है, मैंने अपनी मैया का प्यार, पिता का स्नेह, पत्नी का जो स्नेह प्रीति है, अपने बंधु बांधवों का जो बंधुत्व है, अपने सखाओं की जो प्रीति है, सब कुछ वहां से खींचा और आपके चरणों में दे दिया। मैं अब आपका हो गया हूँ, आप मुझे नंगा रखो, मुझे लंगोटी पहनाओ, मुझे लाल वस्त्र दो, सादे वस्त्र दो, जैसा आपकी खुशी जैसी आपकी प्रसन्नता वैसा आप मुझे रखो, मैं तो आपके शरणागत हो गया। कैसा सुंदर वैशिष्ट है शरणागति का। शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शरणागत के लक्षण क्या है, शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हार इच्छा है हमार इच्छा मिशाइनू, ये शरणागत का लक्षण है। जीव भगवान के शरणागत होगा, गोपियां शरणागत हुई भगवान के, कैसे शरणागत हुई, तुम्हारी इच्छा है हमारी इच्छा में शाइनो, आपकी इच्छा में हमने अपनी सारी इच्छाओं को मिला दिया, अब हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है, ये शरणागति का वैशिष्ट है। ये गुरुपाद पद्म के जीवन में दिखाई देता है कैसी सुंदर शरणागति है। और केवल इतना ही नहीं, इसका वैशिष्ट और भी बहुत है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर एक कीर्तन में बतलाते हैं शरणागत के क्या लक्षण है, शरणागत के जो लक्षण है शिला भक्तिविनोद ठाकुर बतलाते, कहते पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पे मने, आमित तुमार तुमित आमार की का जपर धने। विचार करके देखोगे एक एक उपदेश कितने सुंदर रूप में इन महापुरुष के जीवन में मूर्तिमान हो रखा है। ऐसा लगेगा एक एक उपदेश जैसे स्वयं आचरण जो होता है ना, जिसको आचरण को कहते हैं, वो मूर्तिमान हो गया हो। कहते पूर्व इतिहास भूली नु सकल, मैं अपना सारा पूर्व इतिहास भूल जाऊंगा आपके चरणों में शरणागत होकर। गुरु जी के जीवन में देखो अभी बतला रहे ना, मैं अब आपका हो गया, पूर्व इतिहास में किसी उच्च ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, बहुत अच्छी मेरी नौकरी थी, बहुत अच्छा मैं पढ़ा लिखा था, सब कुछ भूल गए, पूर्व इतिहास सब कुछ भूल गए, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने, परम गुरु जी की सेवा रूपी सुख को प्राप्त किया, सब कुछ इतिहास भूल गए, आमित तोमार तुम्हें तो हमार, प्रभु मैं अब आपका हो गया, अब आप मेरे आराध्य हो गए, अब की काज अपर धने, जिस अवस्था में रखेंगे मैं उस अवस्था में सुखी रहूंगा। आगे क्या कहते हैं इस कीर्तन में शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शरणागतों के बड़े सुंदर सुंदर लक्षण बतलाए हैं। आगे कीर्तन में क्या कहते हैं, तोमार संसारे करी वो सेवन नहीं वो फलेर भागी, मैं आपके संसार का सेवन करूंगा, आपके शरणागत हो गया आपकी सेवा करूंगा, किंतु फल का भागी नहीं बनूंगा। हम लोग तो अभी शरणागत भी नहीं हुए, हफ्ते में एक बार मठ में आएंगे संडे के दिन, और यदि प्रसाद ना मिले ना, यदि प्रसाद खत्म हो जाए तो 10 बार गालियां निकाल कर जाएंगे, ये प्रभु बड़ा दुष्ट है, हमको तो पनीर की सब्जी नहीं देता, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी फल के भागी कैसे बनेंगे। यदि थोड़ी सी सेवा कर देना, प्रसाद परिवेशन कर दे कार्तिक मास में, और फिर देखो रसगुल्ला नहीं मिले लोगों को, तो फिर कैसे रुष्ट हो जाएंगे, सारा दिन तो लगाए रखा रसगुल्ला भी नहीं देते, आगे से सेवा नहीं करेंगे। फल के भागी सेवा करने से पहले फल के भागों को पहले से ही हृदय में जमा कर लेंगे, हाँ ये तो मिलना ही चाहिए, भाई हमने सब्जी मनिया की है तो ये सब्जी हमें जरूर मिलनी चाहिए। किंतु शरणागत के लक्षण क्या है, तुम्हारे संसारे करी वो सेवन नहीं वो फलेर भागी, फल का भागी नहीं बनूंगा। हमारे परम गुरु जी की इच्छा थी 3 आचार्य बनाने की, श्री बावन गोस्वामी महाराज जी को, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को और हमारे गुरु जी को, 3 आचार्य बनाने की इच्छा थी हमारे परम गुरु जी की। जब यह प्रस्ताव हमारे गुरु जी के निकट में आया तो गुरु जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरु जी की भाषा में बतला रहा हूं, वो कहते बावन महाराज मुझसे ज्येष्ठ मुझसे बड़े हैं, आप ये दायित्व उनको दे दो, अगर आप ये दायित्व मुझे देंगे, यदि मुझे आचार्य पद दे भी देंगे तो भी मैं अपना सब कुछ बावन महाराज के चरणों में सौंप दूंगा। फल के भागी हुए, यहां तो परम गुरु जी फल दे रहे हैं, गुरु जी फल ले रहे हैं, फल के भागी बने, परम गुरु जी फल दे रहे हैं, किंतु गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैं उस आचार्य पद को देने पर भी बावन महाराज के चरणों में सौंप दूंगा, ये शरणागत का लक्षण है। नहीं वो फलेर भागी, और तब सुख चाहे करी वो जतन, होय पदे अनुरागी, आपके सुख के लिए मैं सारे जतन करूंगा। परम गुरु जी की इच्छा थी, मथुरा मठ स्थापित किया,
भागवत पत्रिका शिला प्रभुपाद जी के समय में जो छपती थी वो बंद हो गई। परम गुरु जी की इच्छा थी ये भागवत पत्रिका का पुनः प्रकाशन हो। हम लोग भागवत पत्रिका की छोटी सी सेवा करते हैं और आजकल इतने साधन हैं, चटपट टाइप कर दो, दिल्ली से ही सब कुछ भेज दो, ना प्रेस में जाने की जरूरत ना कहीं जाने की जरूरत, इतने साधन हैं और कई सारे लोग काम करते हैं, तब भी उसमें नाना प्रकार की त्रुटियां दिखाई देती हैं। और जब गुरुजी ने कार्य आरंभ किया, साधन तो कुछ था ही नहीं, हाथ से सब कुछ जमा करना पड़ता था। 25 वर्ष 20 वर्ष तक गुरुजी ने अकेले इस पत्रिका का संपादन किया, कितना कष्ट करके प्रूफ संशोधन करना, लेखों को छापना, लेखों को लिखना। केवल परम गुरु जी की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की हिंदी पत्रिका जो है वो पुनः प्रकाशित होनी चाहिए। मथुरा में कैसे प्रचार किया कल्पना नहीं कर सकते। मथुरा मठ में लोगों की ये धारणा थी कि ये बंगाली लोगों का मठ है, यहाँ पर जाओगे तो काला जादू कर देंगे। गुरुजी ने अपने सहज सरल व्यवहार से, अपने आदर्श चरित्र से और कैसे प्रचार करने जाते थे, लोगों से कहते थे हम तुम्हारे घर में आएंगे, प्रसाद मत देना, दरी भी अपने मठ से लेकर आएंगे बिछाने के लिए, तुम अगर जल दे सकते हो तो केवल जल दे देना। और दो दो घंटा तीन तीन घंटा कथा कीर्तन करके पैदल लौट कर आते थे वहां से ब्रह्मचारियों के साथ कीर्तन करते करते मठ तक। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी पैदल जाते थे मधुवन तक। हम लोग वृंदावन की 1.5 घंटे परिक्रमा कर लें तो अवस्था खराब हो जाती है। कैसे परिक्रमा, कैसे परिश्रम किया प्रचार के लिए। परम गुरु जी की जो इच्छा थी ना, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचार होना चाहिए, अपने प्राण तक समर्पित करके उन्होंने परम गुरु जी की सब इच्छाओं को पूरा किया। जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ना, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, तो सारी चेष्टा करूंगा आपकी इच्छा के अनुसार, पृथक मेरी कोई चेष्टा नहीं है। ये शरणागत के लक्षण है। एक एक उपदेश जो है वो गुरु जी के जीवन में देखो कितने सुंदर रूप में मूर्तिमान है। हमारे परम गुरु जी कहते थे शरणागत का सर्वोत्तम लक्षण क्या है, शरणागत शिष्य का सर्वोत्तम लक्षण क्या है। सर्वोत्तम लक्षण है गुरुवात्म दैवत्व। इसका अर्थ है गुरु ही उसकी आत्मा है। शरणागत शिष्य का लक्षण है गुरु ही उसकी आत्मा है और गुरु ही उसकी एकमात्र आराध्य वस्तु है। ये शरणागत शिष्य का सर्व प्रधान लक्षण है। गुरु जी के जीवन में देखो, हमारे कविराज गोस्वामी कहते दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त क्या करेगा, समर्पण करेगा और कृष्ण गुरु के माध्यम से उसको आत्मसात कर लेंगे, अर्थात गुरु के सारे लक्षण शिष्य में संचरित हो जाएंगे। गुरु जी के जीवन में देखो ये गुरुआत्म दैवत्व जो शरणागत शिष्य का सर्वोत्तम लक्षण है कितने सुंदर रूप में प्रस्फुटित होता है। हमारे परम गुरु जी ने एक स्थान पर कहा शिष्य का लक्षण क्या है, परम गुरु जी कहते गुरु के हृदय के शब्दों को देखना, कहते गुरु के हृदय के अंतर फल में जो उनकी इच्छा है ना उसको जानकर वैसी सेवा करने पर गुरु संतुष्ट होंगे। गुरु के हृदय के अंतर स्थल में जो उनकी इच्छा है उस इच्छा को जानकर वैसी सेवा करने पर गुरु संतुष्ट होंगे। जैसे परम गुरु जी के जीवन में देखो, परम गुरु जी की मैया स्वस्थ हुई, प्रभुपाद जी ने कह दिया मठ में तार आया कि भाई इनको शीघ्र भेज दो, मैया जाने वाली है। तार आया मठ में, प्रभुपाद जी ने आदेश दे दिया जाओ घर जाओ, थोड़ा समय के लिए घर हुआ हो। किंतु परम गुरु जी गए, परम गुरु जी नहीं गए। श्रीला प्रभुपाद जी ने शाम पूछा संध्या के समय किसी से, वो विनोद बिहारी चला गया, तो किसी ने उत्तर दिया नहीं, वो तो अपने भजन कुटी में बैठकर हरिनाम करे। तो श्रीला प्रभुपाद ने बुलाकर पूछा भाई तुमको तो आदेश दिया था जाने को, गए क्यों नहीं। तो परम गुरु जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभु सकल जन्म में पिता माता सभे पाए, कृष्ण गुरु ना ही मिले भजो ही आए। सब जन्मों में तो माता पिता मिलते हैं, कृष्ण और गुरु बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अगर मैं घर चला गया, मेरी मैया ने मुझसे कह दिया मैं तुमसे बड़ा प्रीति स्नेह करती हूँ, मेरी आखिरी इच्छा तुम विवाह कर लो, तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। श्रीला प्रभुपाद ने सुनकर आलिंगन कर लिया उनको। परम गुरु जी ने कहते प्रभुपाद जी ने यद्यपि बाह्य रूप से कह दिया कि चले जाओ, किंतु उनके हृदय की जो आंतरिक इच्छा थी उसको जान लिया। गुरु जी के जीवन में देखो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, हमारे अनंग मोहन ब्रह्मचारी गुरु जी के गुरु भाई थे, बड़े सहज सरल थे, बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, परम गुरु जी के साथ छाया की तरह रहते थे। परम गुरु जी के लिए रसोई बनाते, परम गुरु जी के वस्त्र धोते और परम गुरु जी शिष्य वात्सल्य के कारण उनसे बड़ा प्रेम करते थे। उनको टीबी हो गया, सुना है ना आप लोगों ने, उनको टीबी हो गया। टीबी उस समय में लाइलाज बीमारी थी, टीबी उस समय लाइलाज बीमारी थी, कोई निकट जाना नहीं चाहता। तो परम गुरु जी क्या करते, उनकी सेवा अपने हाथों से करने लगे सारी। जहां पर अच्छी चिकित्सा होती उनको लेकर जाते, बिहार लेकर गए, दक्षिण भारत लेकर गए, सब उनकी सेवा परिचर्या अपने हाथ से करने लगे। अब सारा प्रचार चौपट होने लगा। तो गुरु जी ने क्या देखा, परम गुरु जी के हृदय की जो आंतरिक इच्छा थी उसको जान लिया। गुरु जी ने जाकर परम गुरु जी से कहा प्रभु गुरुदेव मैं अनंग मोहन प्रभु जी की सेवा का सारा दायित्व अपने सिर लेता हूँ, आप निश्चिंत होकर निर्भीक होकर प्रचार कीजिए, इनका सारा दायित्व मेरे सिर पर। और परम गुरु जी ने अनंग मोहन प्रभु जी को गुरु जी के साथ और प्रभुपाद जी के शिष्य थे
पूज्य पाठ त्रिगुणातीत बाबाजी महाराज, उनके साथ भेज दिया उनको मद्रास में। अब गुरुजी ने 6 मास तक उनकी सेवा की और गुरुजी के मुख से स्वयं सुना, सब लोगों ने सुना होगा, उनको खून की उल्टी होती थी, बिस्तर में लेटरिन पेशाब सब कुछ होता था, गुरुजी अपने हाथ से सब कुछ करते थे। उस समय में तो अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि पैसा जमा करा दो और नर्स आकर सब कुछ कर देगी, सब तो अपने हाथ से, सरकारी अस्पताल में भर्ती हो सब कुछ अपने हाथ से करते थे, खून की उल्टी अपने हाथ से साफ करते, अपने प्राणों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, अपने गुरु की जो हृदयगत इच्छा है उसको कैसे जान लिया। हमारे महाप्रभु कहते हैं गुरुर सेवक होय मान्य से हमार, गुरु के ऐसे निष्कपट सेवक, सेवक नहीं, सेवकों के विषय में बहुत कुछ सुना, सेवक बहुत सारे होते हैं, निकट में रहने से कोई सेवक नहीं होता, ऐसे निष्कपट सेवक जिनकी सेवा का उद्देश्य केवल गुरु की प्रीति हो, केवल गुरु का सुख हो, ऐसे निष्कपट सेवक गुरु की तरह मान्य है। परम गुरु जी के जीवन में देखो कैसे आदर्श दिखलाई देता है, गुरु की तरह ऐसी वैष्णवोचित बुद्धि से अपने गुरु भाई की सेवा की परम गुरु जी की इच्छा को जानकर। परम गुरु जी ने अपनी एक कथा में एक स्थान पर कहा है कि हम लोग कथाओं में बहुत कहते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर तो जड़ है एक दिन मर जाएगा, ये परम गुरु जी कह रहे हैं अपनी कथा में, किंतु अगर किसी वैष्णव को कोई संक्रामक रोग हो जाए, कोई इन्फेक्टेड रोग जिससे हमारे भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या करेंगे, उस वैष्णव का भी परित्याग कर देंगे, किंतु कथाओं में बहुत बोलेंगे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर विनाशशील है, शरीर एक दिन मर जाएगा। परम गुरु जी कहते हैं ऐसे वक्ताओं को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म स्पीकर। ऐसे वक्ताओं को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म स्पीकर, जो बोलते कुछ है जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। किंतु गुरु महाराज जी के जीवन में देखिए कैसे परम गुरु जी के हृदय की निभूत जो इच्छा है ना, निकुंत जो इच्छा, उसको जान लिया। 6 मास तक गुरु जी ने सेवा की अपने प्राणों की परवाह नहीं करकर। पूज्यपाद त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी यद्यपि गुरु जी से ज्येष्ठ थे किंतु साष्टांग प्रणाम करते थे उनकी इन सेवाओं को, और स्वयं अपने मुख से कहते थे कि महाराज आपने अपनी सेवाओं के द्वारा गुरु जी को वशीभूत कर लिया। गुरु जी कहते थे और गुरु जी के गुरु भाई कहते थे कि जब पूज्यपाद, ये स्वयं पूज्यपाद त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी क्या बोलते थे, हमने एक वैष्णव के मुख से सुना, वो कहते थे जब मैं अपने गुरुजी से प्रश्न करता था, मतलब ये पूज्यपाद त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जब परम गुरुजी से प्रश्न करते थे तो गुरुजी क्या उत्तर देते थे, अरे वहां पर लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ढूंढ लो, किंतु जब तुम्हारे गुरुजी कोई प्रश्न कर देना तो तसल्ली से सारे काम छोड़कर उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो वो क्या कहते थे, महाराज आपने अपनी सेवाओं के द्वारा गुरुजी को वशीभूत कर दिया। कैसे, गुरुजी ने परम गुरुजी के हृदयगत भावों को जान लिया और अपने प्राणों की परवाह नहीं करके कैसे अपने गुरु भाई की सेवा की, अपनी इन सेवाओं से उन्होंने अपने गुरु के हृदय को जीत लिया। इसको कहते हैं गुरुआत्म देवत्व। और एक गुरु जी के जीवन में बड़ा विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देता है जो जानने और सुनने और समझने वाली बात है। हमारे परम गुरु जी ने एक स्थान पर लिखा, शिला प्रभुपाद जगत में आए क्या देने के लिए आए, वो ब्रज भक्ति देने के लिए आए, वो ब्रज भाव देने के लिए आए, किंतु प्रभुपाद स्वयं कहते थे मेरा सारा जीवन जंगल काटते काटते बीत गया, जिस वस्तु को मैं देने के लिए आया था मैं उस वस्तु को नहीं दे सका। मैं सुबह भी बतला रहा था, हमारे परम गुरु जी जगत में आए, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जब तक ये मायावादी जगत में प्रचलित रहेगा शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। परम गुरु जी कहते थे मेरा तो सारा जीवन मामले मुकदमों में ही बीत गया, कभी किसी पर कोर्ट केस, कभी किसी पर कोर्ट केस। प्रभुपाद जी के विचारों का संरक्षण करते 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 जीवन बीत गया, जिस वस्तु को देने आया उस वस्तु को दे नहीं सका। किंतु गुरु जी जगत में आए, इन दोनों महापुरुषों की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से सबका मनोभिष्ट एक बार में ही पूर्ण कर गए। इन महापुरुषों का क्या मनोभिष्ट था, ये सब घोर महाप्रभु के निज पार्षद है और उस ब्रज भक्ति को, उस ब्रज प्रेम को देने के लिए ही जगत में आए हैं, किंतु परिस्थिति वश दे नहीं सके। किंतु गुरुजी ने क्या किया, जो आधार इन महापुरुषों ने बनाया उस पर बड़ा सुंदर ब्रज भक्ति का एक महल गुरुजी ने खड़ा किया, बड़ा सुंदर, और उसका सौंदर्य देखते ही बनता। उसका सौंदर्य क्या है, उसका सौंदर्य है गुरुजी के विचार, गुरुजी का आचरण, कैसे मनोभिष्ट को पूर्ण किया। जब गुरुजी विदेश नहीं गए थे तो 74 में लगभग गुरुजी को हार्ट की समस्या हुई, गुरुजी अस्वस्थ हुए, तो गुरुजी ने शिला बावन गोस्वामी महाराज जी से एक बार कहा कि महाराज मेरा जो है शरीर अब ठीक नहीं रहता, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। तो पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपसे बड़ा हूं, ज्येष्ठ हूं, आपसे पहले नहीं जा, आप उससे पहले नहीं जा सकते, मैं आपसे पहले जाऊंगा। और एक विशेष बात है, हमारे गुरु जी से कह रहे हैं शिला बावन गोस्वामी महाराज कि गुरु जी ने, मतलब परम गुरु जी ने आपके लिए एक विशेष सेवा रख छोड़ी है, उस सेवा को किए बिना आप इस जगत से नहीं जा सकते, उस सेवा को किए बिना आप इस जगत से नहीं जा सकते। जब देश विदेश में खूब प्रचार हो गया और गुरुजी ने सारे देश विदेशों में, सारे भारत में और विदेशों में खूब इस गौरवाणी का प्रचार कर दिया, और मैं सुबह भी बता रहा था ना, गौरवाणी क्या है,
गौरवाणी का जो यथार्थ तात्पर्य है, ये ब्रज भक्ति, ये श्रृंगार रस, ये मंजरी भाव, इन देव दुर्लभ भावों का जब गुरुजी ने प्रचार कर दिया तो श्री बावन गोस्वामी महाराज ने एक पत्र लिखकर गोवर्धन में एक पत्र लिखकर भेजा और गुरुजी के सामने वो पत्र पढ़ा गया। उसमें लिखा था, बहुत सारी बातें थी और उसमें ये लिखा था, महाराज आपको स्मरण है मैंने आपसे एक समय कहा था कि गुरुजी आपके लिए एक विशेष सेवा छोड़कर चले गए हैं, जब तक आप उस सेवा को पूरी नहीं करेंगे आप इस जगत से नहीं जा सकते। वो सेवा क्या थी? सारे जगत में इस गौरवाणी का प्रचार। और ये गौरवाणी का जो यथार्थ तात्पर्य है ना, ये ब्रज भक्ति, ये ब्रज भाव, ये परम गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु ने गुरु जी के माध्यम से इसका प्रचार कराया सारे जगत में। सुबह भी मैंने एक बात बतलाई थी, जब हम ये कहते हैं, देखो गुरु जी का कैसा वैशिष्ट्य है, जब हम ये कहते हैं गुरु जी ने परम गुरु जी का, प्रभुपाद जी का, महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुरुवर्गों ने स्थापित नहीं किया। इसमें बड़ा सुंदर विचार सुना होगा जो लोग थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे गुरुवर्गों ने प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट नहीं स्थापित किया या महाप्रभु का मनोभिष्ट नहीं स्थापित किया, उन्होंने भी महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया, किंतु हमारे शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे भजन बहुत सारे लोग करते हैं, भजन में सिद्धि भी बहुत सारे लोग प्राप्त करते हैं, किंतु महाप्रभु जिसको चुनते हैं ना अपनी वाणी का प्रचार करने के लिए, केवल वही लोग महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हैं। तो गुरु जी कौन है? गुरु जी महाप्रभु के द्वारा मनोनीत चुने हुए एक आचार्य हैं, जिन्होंने सारे जगत में इस गौरवाणी का प्रचार किया। और एक बड़ा सुंदर विचार गुरु जी स्वयं बतलाते थे, मैं सुबह भी बतला रहा था, गुरु जी कहते थे रूप गोस्वामी जी की तिथि पर के, रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया और महाप्रभु के मुख, महाप्रभु के सामने उनके प्रकट काल में भक्त लोग बैठे हैं और महाप्रभु के सामने महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, किंतु महाप्रभु ने उनका मुख बंद किया। गुरु जी कहते थे महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी का मुख नहीं बंद किया, यद्यपि महाप्रभु कह रहे हैं अपने मुख से किया थी स्तुति है दीनतावश, किंतु रूप गोस्वामी जी का मुख बंद किया। किंतु गुरु जी कहते थे जब स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ये महाप्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, महाप्रभु बलपूर्वक इनको रोक देते हैं, किंतु जब रूप गोस्वामी जी ने किया, महाप्रभु ने किसी प्रकार से उनको निषेध किया, उल्टा शक्ति संचरित कर दी कि तुम करो मेरे मनोभिष्ट का प्रचार। यद्यपि सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी सबने महाप्रभु के मनोभिष्ट का प्रचार किया, किंतु रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के कुछ विशेष भावों का प्रचार किया। ऐसे ही गुरु जी ने, यद्यपि प्रभुपाद जी के सारे गणों ने महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट का प्रचार किया, किंतु गुरु जी के माध्यम से परम गुरु जी, प्रभुपाद जी, महाप्रभु ने एक विशेष अपनी जो इच्छाएं थी ये ब्रज भक्ति, इसका प्रचार कराया। उसका मैंने स्पष्ट प्रमाण भी दे दिया कि जब जैव धर्म प्रकाशित हुआ ना तो बंगला भाषा में हमारे परम गुरु जी ने स्वयं प्रकाशित किया, तो दो खंड प्रकाशित किए केवल, रथ विचार जो उसमें है, श्रृंगार रथ के सारे विचार, उसको परम गुरु जी ने स्वयं भी प्रकाशित नहीं किया, किंतु गुरु जी ने क्या किया, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया और तीनों खंडों को एक साथ प्रकाशित किया। परम गुरु जी ने रोका नहीं, उल्टा शक्ति संचरित कर दी। अपनी प्रस्तावना में परम गुरु जी क्या लिख रहे हैं कि जैव धर्म के हिंदी अनुवाद में सारे सिद्धांतों का और ब्रज के सारे विचारों का भली भांति अति सूक्ष्म रूप में सबकी बड़े अच्छे से रक्षा हुई है और हिंदी जगत इस महान कार्य के लिए नारायण महाराज का चिर कृतज्ञ रहेगा। ये परम गुरु जी स्वयं लिख रहे हैं अपनी प्रस्तावना में। तो रोका गुरु जी को तो रोका नहीं, उल्टे शक्ति संचरित कर दी। इससे क्या प्रमाणित होता है कि गुरु जी विशेष कुछ वस्तु प्रचार करने के लिए, विशेष महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के, शिला भक्तिनो ठाकुर जी के, हमारे परम गुरु जी के विशेष कुछ भावों का प्रचार करने के लिए गुरु जी को इन लोगों ने प्रेरित किया, इन लोगों ने भेजा इस जगत में। और सुबह भी मैंने बतलाया, चैतन्य चरितामृत में एक उक्ति है कि कलि युगेरे धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परिवर्तन, कि कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, किंतु कृष्ण शक्ति के बिना इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। गुरुजी ने सारे जगत में जो है नाम संकीर्तन का प्रचार किया, इस गौरवाणी और गौरवाणी के यथार्थ तात्पर्य का प्रचार किया, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि गुरुजी कौन है, कौन है? कृष्ण शक्ति। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परिवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना जगत में इस गौरवाणी का प्रचार कोई नहीं कर सकता। जैसे श्री भक्तिनोद ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में क्या आया, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय, जो साक्षात गौर शक्ति है। हमारे सारे गुरु वर ही यद्यपि गौर शक्ति है, किंतु गुरुजी के जीवन में देखो कैसा विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई पड़ता है। किंतु एक और बात है, गुरुजी ने देव दुर्लभ भावों का जगत में प्रचार किया, किंतु सदा मर्यादा में रहकर। अभी बतला रहा था ना सुबह शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं, सदा मर्यादा में रहकर इन भावों का प्रचार किया। ये गीत गोविंद, उज्ज्वल नीलमणि, ये राजपंचाध्यायी, सारे ग्रंथ गुरुजी ने प्रचारित किए, किंतु उससे पहले क्या किया, उपदेशामृत।
मन शिक्षा, शिक्षाष्टक, चैतन्य शिक्षा, हमने सारे ग्रंथों का प्रचार किया और अपने जीवन में इन सबका आचरण करके दिखलाया। इसलिए गुरु जी के भजन का आदर्श क्या है? नीति और रुचि। नीति और रुचि मतलब विधि और राग, विधि और राग का सम्मिश्रण गुरु जी का भजन आदर्श है। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अभी जो पत्रिका गई ना, उसमें एक स्थान पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि ये जो ब्रज भक्ति के विचार हैं, ये जो रस रथ है ना, जो श्रृंगार रथ, इसका वर्णन कहाँ करना चाहिए? तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जहाँ सब प्रकार के अधिकारी हों वहाँ केवल दास्य रस की कथा होना उचित है, और जहाँ केवल उत्तम अधिकारी लोग हों वहां पर क्या क्या होना चाहिए, वहां पर केवल उस सभा में ये रस विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, किंतु जहां सब प्रकार के अधिकारी हैं वहां महाप्रभु की, श्री कृष्ण के दास्य रस की कथाओं का होना ही उचित है। गुरु जी ने सदा मर्यादा में रहकर, यद्यपि वो परम अधिकारी हैं, किंतु सदा मर्यादा में रहकर, आजकल के समान नहीं, जहां तहां हाट बाजार में श्री प्रभुपाद जी ने कितने गंभीर रूप से राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं करते थे, ठाकुरानी कहते थे, कितना आदर देते थे इन विचारों को, इन भावों को। जहां तहां हाट बाजार में जिस किसी के सामने जैसा तैसा वर्णन नहीं किया, मर्यादा में रहकर सदा वर्णन किया। आजकल तो यही एक समस्या जैसी खड़ी हो गई है, एक नया व्यक्ति आता है, अधिकार और अनाधिकार का कोई विचार नहीं है, बस उसके कान में सारे श्रृंगार रस के सब मंत्र फूंक दो। किंतु गुरु पाद पद्म का भजन आदर्श था, नीति और रुचि, ये उनके भजन का आदर्श था। तो कैसे एक एक शिक्षा, एक एक उपदेश इन महापुरुष के जीवन में चरितार्थ हो रहा है। हमारे परम गुरु जी शिला प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य बतलाते हुए कहते थे, बोलता रहूं ना, सुनते रहोगे तो। हमारे परम गुरु जी शिला प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य और उनका मत बतलाते हुए कहते थे कि परम गुरु जी कहते कि शिला प्रभुपाद कीर्तन विग्रह थे। कीर्तन विग्रह समझते हैं, अर्थात शिला प्रभुपाद नवदा भक्ति के जो नौ अंग है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, इसमें जो कीर्तन अंग है इसका पालन करने पर विशेष जोर देते थे। प्रभुपाद जी ने लिखा भी है ना, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, अर्थात कीर्तन के प्रभाव से ही सब कुछ होगा। तो भक्ति के, नवदा भक्ति के इस कीर्तन अंग पर प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे, और प्रभुपाद जी स्वयं कहते थे कि मठ मंदिर रहे, ठाकुर जी रहे, ये स्थापित हो, ये पांचरात्रिक मत है, किंतु जो लोग हाई क्लास बेटर क्लास है, ये श्रील प्रभुपाद जी के वर्ड थे, जो लोग हाई क्लास बेटर क्लास है वो लोग गौरवाणी का प्रचार करेंगे। तो भक्ति के जो एक कीर्तन अंग है, इस कीर्तन अंग पर श्रील प्रभुपाद बहुत बल देते थे, किंतु कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? देखना गुरु जी के जीवन में कैसे आदर्श दिखलाई देता है, कैसे एक एक गुण प्रस्फुटित हो रहा है, खिले हुए कमल के समान एक एक गुण दिखलाई दे रहा है। कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? कीर्तन तो हम लोग भी खूब करते हैं, खूब हरी कथा बोलते हैं, किंतु कीर्तन करने का अधिकारी है कौन? श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चार गुणे गुणी हो करो कीर्तन। ये चार गुण बतलाए महाप्रभु ने, दैन्य दया अन्य मान और प्रतिष्ठा वर्जन, जिसके भीतर ये चार गुण है वो कीर्तन करने का अधिकारी है। गुरु पाद पद्म के जीवन में देखो चारों गुण कितने सुंदर रूप में प्रस्फुटित है। पहला गुण क्या बतलाया? दैन्य। उनका दैन्य स्वभाव सुलभ दैन्य था, तृणादपि सुनिच जिसको कहा ना, स्वभाव सुलभ दैन्य था। आप लोगों ने सुना होगा वर्ष 2003 में गुरु जी को युगाचार्य की उपाधि दी, एक विश्व धर्म परिषद है और एक ब्रजाचार्य पीठ है, इन लोगों ने संयुक्त रूप से गुरुजी को युगाचार्य की उपाधि दी। ब्रजवासियों ने पहली बार बाह्य रूप से, तो गुरुजी ब्रज के बाहर जन्म हुआ ना बाह्य रूप से, यद्यपि वो आंतरिक रूप से तो वो क्या है, नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, किंतु बाह्य रूप से ब्रजवासियों ने, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी ब्रज के किसी बाहर के संत को कोई उपाधि दी हो, और ये उपाधि भी क्या, युगाचार्य की उपाधि, अर्थात इस युग के आचार्य की उपाधि। गुरुजी के पास जब ये प्रस्ताव आया गोवर्धन में, पहले तो वो लेने के लिए किसी प्रकार से राजी नहीं हुए, किंतु जब उनके गुरु भाइयों ने, उनके शिष्यों ने बहुत जोर दिया तो गुरुजी लेने के लिए राजी हुए। ऊंचा गांव बरसाना में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, ब्रज के बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आए और बहुत सारे देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आए, सबके सामने सभा हुई एक बहुत बड़ी, और उसमें खूब गुरुजी की महिमा का वर्णन किया, गुरुजी के विषय में बहुत कुछ बोला, और उसके बाद समारोह के बाद गुरुजी को ये युगाचार्य की उपाधि दी गई। जब गुरुजी को बोलने के लिए कहा गया, गुरुजी के शब्द देखिए कैसे दीनता की प्रतिमूर्ति जैसे साक्षात प्रकट हो रही है, तृणादपि सुनिच का कैसा आदर्श है। गुरुजी ने बोलना आरंभ किया और उनके शब्द थे, मैं इस युगाचार्य की उपाधि को लेने के लिए किसी प्रकार से भी योग्य नहीं हूं। हमारी ब्रज भक्ति के पूर्व आचार्य, हमारे षड गोस्वामी शिला भक्तिविनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के गण, ये गुरुजी के शब्द थे, प्रभुपाद जी के गण और मेरे गुरुजी, ये लोग ही वास्तव में युगाचार्य होने के अधिकारी हैं। केवल इस गौड़ीय संप्रदाय के गौरव की रक्षा के लिए, मतलब गौड़ीय संप्रदाय के किसी संत को ब्रजवासियों ने उपाधि दी है,
केवल गौड़ीय संप्रदाय के गौरव की रक्षा के लिए मैं इस युगाचार्य की उपाधि को लेकर अपने गुरुजी के चरणों में दे रहा हूँ। कैसा दीनता का कैसा आदर्श है, भरी सभा है और गुणगान हो रहा है जिनका, वो क्या शब्द बोल रहे हैं ये पता चलता है। स्वभाव सुलभ दीनता, ये हृदय की दीनता है, ये वास्तविक दीनता, प्रतिष्ठित है उस वस्तु में, इसलिए वो दीनता निकल कर आ रही है। नवदीप परिक्रमा के पश्चात हर साल मीटिंग होती थी, गुरुजी जिस समय हम देवानंद गोड़िया मठ से में रहते थे, सब लोग मीटिंग हो रही है, गुरुजी के सारे गुरु भाई लोग बैठे हैं और प्रसंगवश गुरुजी ने शिला पावन गोस्वामी महाराज जी से क्या कहा, देश विदेश में खूब प्रचार कर दिया उस समय, और गौड़ीय वेदांत समिति के वाइस प्रेसिडेंट परम गुरुजी बनाकर गए उनको, हजारों हजारों शिष्य हैं उनके पीछे, लोग पागल हैं उनका एक दर्शन करने के लिए, किंतु ये दीनता उनके हृदय की देखिए। किसी प्रसंगवश उन्होंने शिला पावन गोस्वामी महाराज जी से क्या कहा कि महाराज आपने मुझको आश्रय दे रखा है, यदि आप मुझे आश्रय नहीं देते तो मैं कहां जाता, मैं निराश्रय हो जाता। शिला पावन गोस्वामी महाराज जी स्तब्ध हो गए, इस बात को सुनकर मीटिंग छोड़कर चले गए। हजारों हजारों शिष्य, हजारों हजारों लोग उनके मुख कमल का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। समिति के वाइस प्रेसिडेंट है, गुरु भाइयों से भरी हुई सभा में क्या कह रहे हैं, कैसा आदर्श दिखला रहे हैं, कहते हैं महाराज आपने मुझे आश्रय दे रखा है, यदि आप मुझे आश्रय नहीं देते तो मैं निराश्रय हो जाता। स्तब्ध हो गए, छोड़कर चले गए मीटिंग को शिला पावन गोस्वामी महाराज। आप लोगों ने सुना होगा अपनी वक्तृता में सब समय कहते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, ये गुरुजी कहते थे, उनके शब्द होते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, केवल अपने गुरुजी की सेवा करने के कारण मैंने निष्कपट भाव से सेवा की, आज सारा जगत मुझको सुन रहा है, ये उनके शब्द होते थे। शिष्यों से भरी सभा में कहते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, केवल अपने गुरुजी की निष्कपट भाव से मैंने सेवा की, इसलिए आज सारा जगत मुझको सुन रहा है। यदि बाह्य विचार से भी देखो तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ये चारों जो गुण है, इनको गुण कहे ना क्या कहे, ये चारों जो वस्तु है ये सब कुछ उनके जीवन परिपूर्णतम मात्रा में। जन्म कहाँ हुआ, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मणों में भी कुलीन ब्राह्मणों में, तिवारी परिवार में। ऐश्वर्य कितना था, यद्यपि उस समय में धन धान्य इतना नहीं होता था किंतु भरा पूरा परिवार, खूब खेती बाड़ी है, पुलिस की अच्छी नौकरी है, ब्रिटिश समय में पुलिस की अच्छी नौकरी है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत विद्या, पारमार्थिक विद्या के विषय में तो क्या कहें, आगे श्रवण करेंगे, खूब अच्छी, इतने अच्छे पढ़े लिखे थे, खेल कूद में इतने तेज थे कि पुलिस में बड़े अच्छे स्वाभाविक रूप में ही बड़ा अच्छा पद मिल गया, इतने पढ़े लिखे थे, और श्री सुंदर इतने थे। मैं वहां नोएडा में भी बता रहा था, हमारे श्रीधर महाराज जब मठ में आए, मथुरा मठ में, तो गुरुजी को देखकर पहली बार जब उन्होंने देखा तो कहते, मैंने गुरुजी को देखा मुझे लगा कोई विदेशी महाराज है। और आप लोग सामने चित्र है, सामने देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो बाह्य दृष्टिकोण से भी यदि देखो, जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री सब कुछ उनके जीवन में परिपूर्णतम मात्रा में विद्यमान है, किंतु उनकी दीनता कैसी है, स्वभाव सुलभ दीनता। भरी सभा में गुरु भाइयों के सामने निसंकोच होकर ये कहने में उनको संकोच नहीं होता, महाराज आपने मुझे आश्रय दे रखा है, ये दीनता का जाज्वल्यमान उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या कहा गुण, दैन्य के बाद आता दया। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर कहा कि इस महामाया के दुर्ग से यदि एक जीव की भी रक्षा कर सको तो वो अनंत कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा अधिक दया का कार्य होगा, अधिक परोपकार का कार्य होगा। ये शिला प्रभुपाद जी ने कहा है। इन महापुरुष के जीवन में आप देखो, अपने भजन आदर्श से, अपने सहज सरल व्यवहार से, निष्कलंक पवित्र चरित्र से और अपने भजन के प्रभाव से एक दो नहीं लाखों लाखों जीवों को इन महापुरुष ने क्या किया, भजन राज्य में अग्रसर किया। जो लोग शिला स्वामी महाराज जी के समय में उनसे हरिनाम दीक्षा लेकर भजन छोड़ चुके थे, उनको भी अपने आदर्श से खींच कर ले आए भजन में, संन्यास दे दिया। शिला स्वामी महाराज जी स्वयं क्या कहते थे पता है, देवेश कौन के प्रभुपाद जी जब हमारे परम गुरु जी अप्रकट हुए तो उन्होंने हमारे शिला त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उनके शब्द थे कि मैं संन्यास लेना नहीं चाहता था, मुझे बड़ा भय लगता था संन्यास लेने से। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुझे स्वप्न देते थे कि संन्यास ले लो, मुझे बड़ा भय लगता था, किंतु श्रीपाद नारायण महाराज की प्रचेष्टा से हमारे गुरुजी बार बार उनके पीछे लगते थे, अरे संन्यास लो, आपका सारा बिजनेस ठप हो गया, अब क्या करोगे, संन्यास ले लो, खूब पीछे लगते थे उनके। और उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा, शांत हो जाओ, श्रीपाद नारायण महाराज की प्रचेष्टा से और शिला केशव महाराज की कृपा से मेरा ये संन्यास सिद्ध हो गया। तो देश विदेश में जितना ये प्रचार हुआ ना, इसके मूल में भी कहीं ना कहीं गुरुजी का योगदान है। तो अपने आदर्श से, अपने निर्मल पावन चरित्र से, अपने भजन के प्रभाव से लाख लाख जो लोगों को ये महापुरुष
भजन साधन के मार्ग में लेकर आया, उनको भजन साधन दिया, जीवन जीने का उद्देश्य बतलाया। यह जीवों पर इनकी सर्वोत्तम दया है। और इस दया का वैशिष्ट्य क्या है पता है? इस दया का वैशिष्ट्य है, यह अमंदोदय दया है। अमंदोदय दया मतलब जिस जो दया कभी मंद नहीं होती। किसी भूखे को भोजन करा दो, यह भी दया है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, यह भी दया है ना। कोई सर्दी में मर रहा है, उसको गर्म कपड़े दे दो, ये भी दया है। किंतु ये दया मंद दया है। भूखे को दोबारा भूख लगेगी, जब कपड़े खराब हो जाएंगे उसको फिर कपड़ों की आवश्यकता है, प्यासे को फिर से जल की आवश्यकता है। किंतु गुरु पाद पद्म ने जो दया की है वो क्या है? अमंदोदय दया। अर्थात जीव का जब भवबंधन से ही छुटकारा हो जाएगा तो फिर उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये है दया का सर्वोत्तम उदाहरण। ये दया कभी मंद नहीं होती। तीसरा क्या गुण बतलाया? दैन्य दया अन्य मान, दूसरों को सम्मान देना, जिसको देने में हम बहुत कुंठित होते हैं, जिसको देने में हम लोग अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों को भी, हमारी ईर्ष्या है ना हृदय में, वो ईर्ष्या हमको अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों को भी और हमसे अनुभवी, हमसे अधिक प्रतिभाशाली वैष्णवों को भी प्रतिष्ठा देने में, सम्मान देने में हमारी ईर्ष्या हमको बाधा देती है। किंतु महापुरुष के जीवन में देखो